नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। एक बार फिर आप सभी लोग का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जस्ट ये 4 घंटे के भीतर मुझे तीसरा अपडेट आपको देना पड़ रहा है आज, उसके लिए सॉरी। और ये मेरी खुशी वाली मजबूरी है, इसको मजबूरी मैं एक खुशी वाली मजबूरी होती वो वाली बात है। एक्चुअल में हुआ क्या है, मुझे आपको इस वीडियो के अंदर व्हाट्सअप के दूसरे जो मैंने ग्रुप बनाया है, जैसे आप सभी को पता है कि मैंने आपके कॉमन डिस्कशन के प्लेटफॉर्म के लिए एक व्हाट्सअप के कम्बाइंड ग्रुप बनाए थे, जो अलग अलग ब्रांच वाइज आपके बना रखे थे, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, सीएमए का, सबका अलग अलग। कि आपको मकसद था कि उस ग्रुप के पीछे बनाने के पीछे कि आप उस ग्रुप के अंदर जाएँ, आप सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएं, उसके बाद आप अपने जो ऑब्जेक्शंस आपको रेज करने हैं उसके लिए आप अपना डाटा वहाँ पर इकट्ठा कर लें और डिस्कशन कर लें अच्छे। क्योंकि जहाँ 250-300 आदमी मिल जाते हैं वहाँ बहुत अच्छी तरीके हेल्दी डिस्कशन होता है, आप हर जगह का ऑल ओवर इंडिया के लोग इंक्लूड उसमें हो रहे हैं। तो क्या हुआ कि एक ग्रुप की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, वो लिमिट अब तकरीबन क्रॉस कर चुके हैं और मेरे पास में 250 से करीबन 250-300 के लमसम कमेंट आ चुके हैं कि सर ग्रुप फुल हो चुका है। तकरीबन हर ग्रुप फुल हो गया है, एक आध को छोड़ के, जो भी फुल होने वाला है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया है कि मैंने फिर आपके दोबारा ग्रुप बना दिया। तो मैं आपको जो दूसरे ग्रुप नंबर 2 है हर ब्रांचेस का, उनकी लिंक आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ, प्लीज़ आप उसको करके, और उसके बाद जो फुल हो चुका है, जो नहीं ज्वाइन हो सकते वो इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन होकर अपना डिस्कशन को कैरी ऑन करें। और उसके बाद में जो ऑब्जेक्शन रेस करना, क्योंकि 24 आवर आपके पास हैं, कल रात में 12 बजे के बाद में आपकी लिमिट वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद सही तरीके से अपने आप को आप डाटा भी ले सकें और अपना काम भी कर सकें। दूसरी बात, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, मैंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है, वो कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा, साथ में यहाँ भी मैं उसकी लिंक दे दूँगा। उसमें क्या है कि केवल रॉन्ग आंसर के नाम से आपका एक ग्रुप बना हुआ है, केवल वही लोग उस ग्रुप में पार्टिसिपेट हों जिनको ऑब्जेक्शन रेज करने हैं, जिनको लगता है कि हाँ मुझे ऑब्जेक्शन रेज करने हैं, तो केवल वही लोग उस ग्रुप के अंदर हों और अपना डाटा इंटरचेंज करें, उसमें आसानी हो जाएगी। इस प्रकार के ग्रुप में क्या होता है, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से कई लोग कुछ उद्दंडता भी करते हैं, कोई गाली गुलाज भी मैंने देखा उसके अंदर, कई लोगों ने कंप्लेन किया उसके बारे में, लेकिन प्लीज़ थोड़ा शांति बनाए रखें, आप अपने पेशेंस को और अपनी भावनाओं को काबू में रखें, ठीक है। उसके साथ शांति बनाने के साथ में काम करें ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग अब मिल रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कब कहाँ कौन क्या मिलेगा। चलिए, ये 2-4 दिनों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, तो इसका यूटिलाइजेशन अपने फ़ायदे के लिए कीजिए, ना कि लड़ने के लिए। बहुत समय मिलेगा आपको ज़िंदगी में लड़ने के लिए। तो वो मैंने आपको, वो वहाँ रॉन्ग आंसर के नाम से एक है, तो उसके अंदर केवल वही लोग करें जिनको पार्टिसिपेट करना। उसके बाद उसमें कट ऑफ मत पूछिए, ये कुछ भी मत करिए प्लीज़, उसका फिर मकसद नहीं हल हो पाएगा। दूसरा, जो आपको ये सेपरेट आपका जो ग्रुप मैंने बना दिया है, ठीक है, उस ग्रुप का ये एड्रेस आपके पास है, सिविल ग्रुप नंबर 2 की लिंक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप नंबर 2 की लिंक है, आपकी मैकेनिकल ग्रुप नंबर 2 की लिंक है और आपकी इलेक्ट्रिकल ग्रुप नंबर 2 की लिंक है। उसके बाद जैसे ही कोई फर्दर अगर मान लीजिए और फिल हो जाएगा, मान लीजिए ये भी हो गया, तो मैं थर्ड भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो का मकसद केवल आपको ये बना के देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप प्लीज़ कर लीजिए उसके बाद में, और उसके बाद में कोई भी और दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे ही ज़्यादा कुछ होगा तो मैं तुरंत इमीडिएटली, चाहे भले मुझे रात में 12 बजे आपके लिए फिर दोबारा से कुछ करना पड़े, तो फिर मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो केवल इसका इंटीमेशन आपको करना था कि प्लीज़ ग्रुप नंबर, ये दूसरे ग्रुप आपको बना दिए, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसका मैक्सिमम ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन करिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव वे में। और जो हो रहा है मैं अभी ग्रुप के अंदर देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग ऐसे ऐसे अपने तर्क निकाल के ला रहे हैं और उसके बाद में ऐसा ऐसा डाटाबेस उठा के ला रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन गलत है, ये ठीक है, इसको ऐसा होना चाहिए, कोई गूगल से, कोई किसी बुक से, कोई कहीं से, कोई कहीं, बहुत अच्छा लग रहा है करके, ठीक है। तो प्लीज़ आप उसका यूटिलाइजेशन अपने पॉजिटिव वे में कीजिए, ना कि नेगेटिव वे में। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही, इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, आप उसमें कमेंट करिए और मैं आपको 24 आवर आपके लिए हाजिर हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।